हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवकार सिस्टम्स। आज के इस नए वीडियो में हम RFID एक्सेस कंट्रोल के कंप्लीट सेट के बारे में बात कर रहे हैं। ये RFID का एक्सेस पैनल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉक, 600 LBS, नो टच स्विच, डोरबेल और हैवी ड्यूटी पावर सप्लाई। तो यहाँ पर हमने एक्सेस पैनल के अंदर हमने कार्ड और पासवर्ड को ऐड करने के बारे में जानेंगे। उससे पहले हम जो इसमें नो टच स्विच लगा हुआ है उसकी वर्किंग देख लेते हैं। ये हमने नो टच स्विच के आगे, क्योंकि एक नो टच है, इसको हमें टच नहीं करना होता, हम इसके आगे हाथ लेके जाते हैं तो हमारा लॉक खुल जाता है। यहाँ पर ये डोर बेल लगी हुई है, अगर हम यहाँ बेल का बटन दबाते हैं तो अंदर जो बेल लगी होती है 12 वोल्ट की, इसकी साउंड काफ़ी अच्छी है। और ये हमारी हैवी ड्यूटी NONC पावर सप्लाई है, जिसमें कि हम इस पूरे सिस्टम को पावर देते हैं एक ही सप्लाई से। अब हम जानेंगे कि इसके अंदर, जैसे कि हमारा एक की चेन टैग है या हमारा एक RFID कार्ड हो सकता है, अगर हमें उससे इसको खोलना है तो कैसे इसको ऐड करेंगे। हम यहाँ पर #1 2 3 4 5 6# ये प्रोग्रामिंग मोड में चले गए। इसके बाद 1 दबाएंगे और फिर हम इसके बाद इस कार्ड को ऐड करेंगे। लॉन्ग बीप आ गई, इसका मतलब कार्ड ऐड हो गया। अब हम प्रोग्रामिंग मोड से बाहर आने के लिए #दबाएंगे और ये रेड लाइट जल गई है। अब अगर हम इसको सामने लेकर जाएंगे तो हमारा लॉक खुल गया। दैट मीन्स ये हमारा कार्ड, ये हमारा की चेन जो कि एक RFID है, RFID फ्रिक्वेंसी पे काम करता है, ये हमारा की चेन ऐड हो गया है। ये देखिए, ये ग्रीन लाइट शो कर रहा है, दैट मीन्स ये इसको एक्सेप्ट कर रहा है। अब अगर हम इसी तरीके से पासवर्ड को ऐड करने के बारे में जानते हैं, #1 2 3 4 5 6#, प्रोग्रामिंग मोड में आ गए। अब हमें कार्ड ऐड करना है, सॉरी पासवर्ड ऐड करना है, तो 22 इसका कोड है। और अगर हमें कोई जैसे पासवर्ड ऐड करना है 4444, 4×4 और #, ये हमारा पासवर्ड भी ऐड हो गया है। अब अगर हमें इस पासवर्ड से 4444, 4×4 अगर हम दबाएंगे, 1 2 3 4 और #, दबाएंगे, ये हमारा लॉक खुल गया है। इस तरीके से हमारा ये सिस्टम काम करता है। जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉक है वो हमारा एल्युमिनियम डोर और वुडन डोर पे इजीली लग जाता है। उसके लिए एल ब्रैकेट साथ में लगानी पड़ती है। अगर आप इसको ग्लास डोर पे लगाना चाहते हैं पर उसका जो चौखट है, जो उसका आउटर फ्रेम है, वो एल्युमिनियम या कंक्रीट या वुडन का होगा, तब आप यू ब्रैकेट और एल ब्रैकेट लगा करके आप ग्लास डोर पर भी लगा सकते हैं। बट अगर आपका ग्लास डोर टफन ग्लास है और उसके ऊपर जो उसकी चौखट है वो भी ग्लास की है, तो आपको उसके लिए फ्रेमलेस ग्लास डोर लॉक लगाना पड़ेगा। उस केस में ये वाला लॉक काम नहीं करेगा, वो भी आपको हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा। अगर आपको इस तरह के सिस्टम रिटेल या होलसेल या ट्रेड करने के लिए आपको चाहिए, तो आप हमें नीचे दिए हुए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।